And neither not, because you're not going to be in the camera, because you're talking. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम लोग सुबह हो गई है और उठ गए हैं सारे, जैसे आप देख रहे हैं सारे उठ रहे हैं अपने अपने बिस्तर से और डांस करते हुए उठ रहे हैं। ये बिग बॉस का घर बना हुआ है एक तरह का, और देखें ये है जी छोटे छोटे बच्चे और नूर, सैम और लीज़ा, युबल, मरियम। सुबह हो गई है इनकी और हम लोगों ने इन्हें कहा था कि जी आपने बिग बॉस हाउस की तरह ही डांस करते हुए सुबह सुबह उठना है, तो गाना लगा हुआ था और सारे डांस कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया था वैसे हम लोगों को इस ट्रिप में, और आने वाले सारी वीडियोस में आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। ये विकी का डांस देखें और मैं भी थोड़ा सा नाश्ते का टाइम हो गया था और हम लोगों ने बनाए हैं आलू वाले पराठे। ये अम्मी बैठी हैं, अम्मी आलू के पराठे बना रही हैं और हम लोगों ने जब नाश्ता किया तो बहुत मज़ा आया। नरान की ठंडी ठंडी जगह पर आलू के पराठे और चाय। क्या आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? किचन वगैरह सब। ये आलू का पराठा है जी, और बहुत औसम बना है। हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ट्रैवलिंग पे आओ तो कोशिश करो कि आप खाना खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ, क्योंकि बाहर का हम ये नहीं करते, वो भी देखे घर में खाना बना रहे हैं। नहीं नहीं, हम बस बस ये मामा लोग हमारे साथ आए हैं। हम लोग ना ब्रेकफास्ट कर लें, आप जाएं। टीम ब्रेकफास्ट कर रही है और ब्रेकफास्ट कर हम लोग निकल रहे हैं गिलगित की तरफ, तो जल्दी जल्दी जी आप लोग तैयार हो जाएं। आलू का पराठा और चाय चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। और दोनों आलू के पराठे और चाय हो तो मैं और वेदर देखें और ये खूबसूरत वादियां पहाड़ ये हो। अच्छा, उस वक्त इतना नहीं था। हाँ, कुछ रास्ता इन्होंने ये ऐसा कारपेट बना दिया और कुछ रास्ता। हम लोग सब रेडी हो गए हैं और गाड़ी में भी बैठ चुके हैं। वाह जी वाह, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। और हम लोग निकलने लगे हैं नरान से गिलगित की साइड। हम लोग जा रहे हैं अब गिलगित और वहाँ से फिर हम लोग स्टे करके हम लोग जाएंगे अभी हम बाज़ार में हैं, नरान बाज़ार में, और जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश है। और बाज़ार से निकलते हुए ही हमें 5-10 मिनट तो लग गए थे। ये देखें कितना रश है, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, मैं सब और मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। हम लोग निकल चुके हैं जी, अब बाबू से टॉप की तरफ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सर्दी भी हो गई थी। यहाँ पर लोग ज़रा राफ्टिंग कर रहे थे। हम लोगों ने सोचा था कि चलो वापसी पे जब हम वापस आएंगे और नरान में स्टे करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। अभी हम सीधा हुंजा में ही हुंजा पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोगों ने चाइना बॉर्डर तक जाना है।